सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मुकेश पंडा व्लॉग। सो गाइज आज है 7 जून एंड आज बेसिकली मेरा काम यहाँ पे दिल्ली में ख़त्म होता है एंड आफ्टर 1-2 डेज मैं चला जाऊँगा हैदराबाद। सो अभी हैदराबाद जाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड ये मेरा रूम देख सकते हो जो यहाँ पे मैं था कोलिविंग में। तो ऐसा कुछ मेरा रूम है, मैं भी सोच रहा था आप सभी को रूम के बारे में बताऊँ। कुछ मेरा रूम है एंड अभी जा रहा हूँ मैं नोएडा बिकॉज मुझे मेरी भतीजी आई थिंक होगी या भांजी होगी, पता नहीं, थोड़ा सा कमजोर हूँ मैं उसमें, बट मेरे मामा की बेटी है सो उनसे मिलने जा रहा हूँ एंड आज उससे मिलूंगा बिकॉज अभी बहुत बचपन में कब मिला था उससे एंड आज वो कॉलेज वॉलेज करने आई है तो उससे बस एक बार जाके थोड़ा सा मुलाकात करके फिर रिटर्न आऊंगा। सो कुछ आज का ऐसा स्टोरी है एंड मोस्टली प्लान तो ये है कि 2-3-4 एग्रीमेंट है और 2-3 वेंडर से मिलना है। सो मिलके सारा चीज क्लोज करके फिर मैं मिलता हूँ। सो अभी डायरेक्टली निकलते हैं सीधे नोएडा के लिए। सो गाइज हम लोगों का ये रहा वो फूड कोर्ट जो मैं बता रहा था, यहाँ पे अभी रेनोवेशन का काम चालू है तो ये हम लोगों का पूरा फूड कोर्ट आ रहा है। जैसा आप देख सकते हो अराउंड 7,000 स्क्वायर फीट का स्पेस है तो ये जो स्क्वायर फीट है स्पेस है यहाँ पे आई थिंक कियोस्क आएंगे। तो अभी तो आप बहुत ही रॉ मॉडल देख रहे हो, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब कुछ और ही दिखेगा। फिर यहाँ से ये पूरा का पूरा काउंटर है, जैसे कि ये पूरा काउंटर इनके बैकसाइड किचन में दिखाता हूँ। फिर वहाँ पे भी एक काउंटर आ रहा है, वो भी एक काउंटर है, वो है ठीक है। ये पूरा का पूरा एक काउंटर आ रहा है यहाँ से, तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है काउंटर। और यहाँ पे भी सारे के सारे लाइन से कियोस्क आएंगे, ये पूरा लाइटिंग से ढक जाएगा। तो आपको जब ये ओपन होगा तो मैं वीडियो दिखाऊंगा, सो आपको एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस लगेगा। तो अभी पूरा टाइल्स का काम चालू है तो टाइल्स भी अभी कम्प्लीट होगा, उसके बाद अभी सारा टूट रहा है और ऊपर का वायरिंग का भी काम चालू है, देख सकते हो। राइट, ये रहा इसका मेन एंट्री मेन गेट। राइट, तो मेन गेट है अभी बस यहाँ पे अराउंड 180 सीटिंग कैपेसिटी का जगह बन रहा है। और ये बैक साइड है, यहाँ से बैक साइड में भी जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको ना किचन स्पेस भी दिखाता हूँ एंड उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको बैक में कैसा बन रहा है। अरे सर क्या हाल चाल है, सो गाइज अभी जहाँ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वो है सर्विस एरिया। तो यहाँ पे काम चल रहा था सारा, वाटर पाइपिंग का और गैस पाइप का काम चल रहा था, ये ड्रेनेज का पीछे से काम चल रहा था। तो आप सभी सोचते हो यार फूड कोर्ट में काम कैसे होते हैं यार, स्टार्टिंग से ड्रेनेज था, जो भी ड्रेनेज का वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो इससे ही रिटर्न आएगा। तो ये बेसिकली उसका बैक साइड था जहाँ पे सर्विस एरिया होगा एंड बहुत जल्दी ये भी रेडी हो जाएगा बनके एंड देन आप लोगों को उसके बाद देखने को मिलेगा कि कैसा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर कनेक्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पे वाटर यू नो गैस कनेक्शन का पाइप भी है, वाटर का पाइप भी है, ड्रेनेज का भी सारा फैसिलिटी हुआ था। और यहाँ पे जस्ट काम वाम चालू था और लोग सारा प्लस्तरा का काम कर रहे थे, यू नो वॉल पूरा का पूरा वो लोग खड़ा कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे यहाँ पे सारा काम हुआ है। ये तो हो गया बैक साइड का, यहाँ पे जब मैं लेके दिखाने वाला हूँ ये है काउंटर एरिया जहाँ पे मेन सर्विस होगा एंड ये काउंटर एरिया का काम चालू था। टाइल्स का भी चेंज होगा बट अभी फिर गाइज यहाँ पे बेसिकली कियोस्क आने वाला है और ऊपर का भी काम चालू हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ये बेसिकली यहाँ डंपिंग का काम चल रहा था जो कि बेसिकली फ्लोर सेट करने का। उसके बाद मैं जा रहा था नॉलेज पार्क अपनी सिस्टर से मिलने जो कि मैं एक्चुअली 12 साल के बाद मिल रहा हूँ। तो ये था ब्लू लाइन मेट्रो और मैं आ गया था सेक्टर 51 नोएडा में और यहाँ से मैं जाने वाला था नॉलेज पार्क। तो यहाँ पर मैं बस विजिट कर रहा था कि कैसे, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी, सोचा तो कभी ये मौका मिले तो आएंगे। और ये नोएडा लाइक लिटरली गाइस मुझे नोएडा बहुत ही अच्छा लगा। राइट, आप यू नो आपके पास इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं प्लस आपके जस्ट बाजू में इतने सारे खेत खलियान हैं, अच्छा लगा देख के। लाइक यू नो यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स की फार्मिंग हो रही थी तो देख के तो मुझे लिटरली गाइस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। फिर यहाँ मेट्रो में बैठ के मैं थोड़ा देर वेट करके जस्ट अभी पहुँचने वाला था नॉलेज पार्क और मैं यहाँ पर देख रहा था वाटर फाउंटेन के लिए भी बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट्स की गई हैं, सीटिंग बनाई गई हैं। तो ये जंगल के बीच में लाइक ऐसा पता है ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। राइट, अगर आप सुबह से उठो और इतना अच्छा जंगल दिखे। बस मैं आ गया था फूड कोर्ट। सो गाइस जैसा मैं आज आपको बता रहा था ना कि मैं जा रहा हूँ आज मिलने मामूनी से, सो आज मैं आप सबको मामूनी से मिलाता हूँ, ठीक है। सो ये माय नेम इज सुप्रिया मिश्रा नॉट मामूनी। सो सुप्रिया इसका नाम है एंड हम लोग कम से कम ऑलमोस्ट 7-12 साल हो गया होगा ना, आराम से 12 साल के बाद मिल रहे हैं। एंड अभी मैं ग्रेटर नोएडा में किधर है नॉलेज पार्क। सो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में हम लोग इधर ज्ञानीस के पास हैं।
वेनिस मॉल के अंदर है एंड आज हम लोग बस ऐसे थोड़ा ट्रीट देने आया हूँ मैं एंड फिर आज थोड़ा सा देखते हैं फिर क्या काम करना है क्या नहीं, फिर इसके बाद मैं डायरेक्ट निकलूँगा अपना किधर गुरुग्राम, तो आप सभी से डायरेक्टली फिर मिलूँगा गुरुग्राम। एंड अभी मैं और क्यूटी पाई दोनों हम लोग आइसक्रीम ख़त्म कर लेते हैं फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है। फिर गाइस आइसक्रीम खाने के बाद मैं द वेनिस मॉल आ गया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मीटिंग था, तो सिस्टर के साथ मैं यहाँ पे आ गया था। फिर यहाँ पे काम खत्म हुआ तो मैं डायरेक्टली निकलने वाला था अपना गुड़गांव के लिए। सो गाइस अभी मेरा मीटिंग ख़त्म हो गया है एंड अभी जा रहा हूँ घर में, सो मेट्रो स्टेशन पे हूँ, अभी निकलता हूँ घर। फिर गाइस मैं यहाँ पे वेट करने लगा अपनी मेट्रो आने का, बस मैं मेट्रो का वेट करते करते यहाँ पे थोड़ा वीडियो बनाने का सोचा, तो वीडियो भी बना लिया। फिर जब मेट्रो आ गई थी फिर मेट्रो में बैठ कर मैं निकल गया था और पहुँचा मैं डायरेक्टली अपने सेक्टर साइबर सिटी में, जहाँ पर मैं डोसा पैक करा था बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगी थी एंड हॉस्टल का खाना ख़त्म हो गया था। तो सेक्टर लाइक DLF फेज 3 यार बहुत ही ज़्यादा क्राउडी एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह लगी मुझे, रात में भी आपको सब कुछ यहाँ मिल जाता है। सो भाई अभी मैं घर आ गया हूँ गाइज एंड आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मस्ती भरा हुआ था बिकॉज बहुत सारा काम भी किया है एंड अपनी छोटी सी बहन से भी मिला एंड बहुत अच्छा लगा। तो अभी जस्ट आके फ्राइड राइस खाया बिकॉज हॉस्टल में तो खाना ख़त्म हो गया था, तो अभी फ्राइड राइस खा के अब थोड़ा सा काम है यूट्यूब का तो वो भी कर ले रहा हूँ एंड बस उसके बाद अभी सोने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ बिकॉज ऐसा क्या हो रहा है ना, प्रैक्टिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नींद आने रही है, तो अभी थोड़ा काम हम करके फिर सो जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ गाइज, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, बाय बाय।